here by Vinod. So guys, in this lecture we will study about the meso compound and some trick for RS, some trick for enantiomer and diastereomer with the help of RS nomenclature. So let's begin. Meso compound. So hum yahan par padhne ja rahe guys aapka meso compound. Meso compounds. तो मीजो कंपाउंड होते क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे मीजो कंपाउंड को? एक ऐसे कंपाउंड जिसमें स्टीरोजेनिक सेंटर तो प्रेजेंट होता है बट कंपाउंड आपका एक आयरल होता है तो वो कहलाएगा आपका मीजो कंपाउंड. सो हम डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड, कंपाउंड्स दैट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर बट एकायरल आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड. सो यहां पर एक वर्ड आया आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर. तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है आपका, हम कैसे आपका इस एक वर्ड आया स्टीरियोजेनिक सेंटर. तो गाइस स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब होता है आपका क्या, एक ऐसा सेंटर जिसमें दो ग्रुप को अगर इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने पर एक नया आइसोमर आपका ऑब्टेन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टीरियोजेनिक सेंटर. और जो भी मीजो कंपाउंड होंगे इसमें आपका कम से कम एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए. लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, एक आयरन होगा. तो दैट मींस अगर मॉलिक्यूल एक आयरन है तो इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर प्रेजेंट होगी. तो हम कह सकते हैं कौन से कंपाउंड आपके मीजो होंगे. तो यहां पर कंडीशन हमारे पास है, तो हम कुछ कंडीशन लिखते हैं मीजो के लिए. कंडीशन, तो यहां मस्ट ओबे Following two condition. So guys, ये दो condition follow होनी चाहिए मीजो compound के लिए. पहला है molecule must have two or more than two asymmetric center. पहला कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तभी कंपाउंड मीजो कहलाएगा. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी तो कंपाउंड आपका मीजो नहीं होगा. तो एग्जांपल देखते हैं आपका. सपोज हमें एग्जांपल दिया आपका, ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहां पर आपका COOH. ऐसे यहां पर आपका ग्रुप लगा है, सपोज यहां पर हमने लगा रखा आपका OH, ऐसे यहां पर भी लगा रखा है आपका OH. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा आपका, यहां पर एक कायरल सेंटर है और यहां पर भी आपका कायरल सेंटर है. सो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल में आपके दो कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर आपका ये हो गया क्योंकि इसमें एक आपका OH ग्रुप लगा है, एक COOH लगा है, एक ग्रुप ये लगा है और यहां पर एक हाइड्रोजन छुपा है और हमने देखा नहीं है. और इस मॉलिक्यूल पे भी यहां पर भी आपका कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक सेंटर है. तो दो दो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर. तो इसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है. अब देखो अगर हम इस मॉलिक्यूल को अगर यहां से हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो बिल्कुल देखो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा, OH के सामने OH होगा, ये इसके सामने होगा. तो मतलब इस मॉलिक्यूल में हमारा क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है. और अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने बताया था दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, ये कंपाउंड आपका होगा एक आयरन होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा आपका मीजो कंपाउंड होगा, मीजो
कंपाउंड, और जो मीजो कंपाउंड होता है वो हमेशा क्या होता है आपके एकायरल होते हैं, और जो कंपाउंड एकायरल होगा वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली क्या होगा आपका इनएक्टिव होगा। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इसी का आपका, सपोज हमने एग्जांपल आपका ये लिया है, यहां पर आपका रखा है COOH, यहां पर भी हमारे पास है COOH, सपोज यहां पर हमने लगा रखा आपका OH, यहां पर भी आपका OH है, और यहां पर हमने एक यहां पर ग्रुप लगा दिया आपका, यहां पर भी लगा दिया OH। अब देखो इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में पहले देखो काइरल सेंटर हमें देखने हैं, एक काइरल सेंटर आपका ये है और एक काइरल सेंटर ये है, तो मॉलिक्यूल में दो काइरल सेंटर है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये भी आपका काइरल सेंटर होगा, क्योंकि आरएस करेंगे तो आरएस दोनों का डिफरेंट आएगा, अगर दोनों का आरएस डिफरेंट आता तो वहां पर जो नया सेंटर होता है वो भी आपका काइरल सेंटर होता है। तो मॉलिक्यूल में दो काइरल सेंटर हो गए, तो आपके पास मॉलिक्यूल में आपका एसिमेट्रिक सेंटर यस प्रेजेंट है। अगर देखो अब क्या होगा इस मॉलिक्यूल में जो ये OH है हमें प्लेन डालेंगे, और ये प्लेन क्या होगा इस OH को काटते हुए जाएगा, अगर OH को काटते हुए जाएगा देखो COH के सामने COH हो गया, OH ऊपर है और यहां भी OH कहां आपका ऊपर है, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड कैसा होगा आपका ये होगा मीजो, और अगर मीजो होगा तो कैसा होगा आपका एकायरल, एकायरल, और अगर एकायरल होगा तो ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपका होगा ऑप्टिकली OIA मतलब ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपके, इसमें आपका एक एग्जांपल और है, जैसे ये कोई ग्रुप लगा है COOH, COOH यहां पर हमने लगा रखा आपका ये OH है, ये OH है, ये भी आपका OH, ये OH, सपोज ये H, ये H, ये H और ये H। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो देखो इस मॉलिक्यूल में ये आपका काइरल सेंटर है, ऐसे ये भी काइरल सेंटर है, ये भी काइरल सेंटर है और ये भी काइरल सेंटर है, और इस मॉलिक्यूल को अगर बीचों बीच यहां से हम काट देंगे तो ये क्या हो गया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो मॉलिक्यूल में क्या आपका एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और तो कैसा होगा कंपाउंड होगा आपका क्या मीजो, और अगर मीजो कंपाउंड होगा तो ये होगा आपका एकायरल, और अगर कंपाउंड एकायरल होगा तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपका। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं आपका, इसमें COOH, सपोज ये आपको दिया है COOH, यहां पर सपोज लगा है H, यहां पर लगा आपका OH, यहां पर लगा है OH, यहां पर लगा आपका H, यहां पर लगा है H, यहां पर OH, H, H, H और यहां पर लगा हमारा OH। सो गाइस अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में यहां पर काइरल सेंटर प्रेजेंट है, ये भी काइरल सेंटर 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 प्रेजेंट है। अब देखो मॉलिक्यूल में अगर हम यहां पर प्लेन डाल दें, देखो प्लेन यहां से पास कर दें, अगर ये प्लेन पास कर दें जो कहां से एच और OH को काटते हुए जाएगा तो क्या हो गया इसमें एसिमेट्रिक सेंटर आपकी टू से ज्यादा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो कंपाउंड कैसा होगा आपका कंपाउंड होगा आपका मीजो, और जो मीजो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके एकायरल, और जो एकायरल होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा आपका इनएक्टिव होगा। तो गाइस ये था हमारा मीजो कंपाउंड के बारे में कि कैसे हमने आपका मीजो कंपाउंड को आपका डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इनेंशियोमर और डायस्टोमर के बारे में। सो गाइस हम आपका इनेंशियोमर डायस्टोमर के लिए आपका ट्रिक दे रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर के थ्रू हम करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज कर रहे हैं आपका, सब अगर मॉलिक्यूल आपका कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है सिंगल एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल है सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर, अगर मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा आपका इनेंशियोमर, मॉलिक्यूल हमेशा होगा आपका इनेंशियोमर्स। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि इनेंशियोमर ऑलवेज अपोजिट कॉन्फिग्रेशन इनेंशियोमर ऑलवेज अपोजिट कॉन्फिग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आपके पास यह हमें दिया है COOH दिया है आपका और यहां दिया है CH2OH, यस कॉम कर देते हैं सी
एच ओ कर देते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया, ये आपका ओ एच हो गया, ये आपका एच हो गया। दूसरा में दिया है सी एच ओ सी एच टू ओ एच, और ये दे रखा है ओ एच, और ये दे रखा है एच, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। देखो हम तो एक तो हमने बताया था कि अगर आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है, अब देखो ट्रिक के थ्रू कैसे करोगे, आप आरएस कर लो इसका। देखो ये आपका एसिमेट्रिक सेंटर है, तो सबसे पहली प्रोटियम किसको देंगे, इस ओ को, सेकंड प्रोटियम देंगे इस वाले कंपाउंड को, थर्ड आपका इसको, चौथा आपका इसको। देखो वन से हम क्या, वन से टू, टू से कहां मूव कर रहे हैं थ्री, अगर टू से थ्री देखो कैसे हम मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं आपका कैसे, आपका एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी गाइस एस नहीं आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर देखोगे तो ये इसको पहली प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको आपका, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये। तो यहां से देखो फर्स्ट से आप आगे सेकंड थर्ड फोर्थ आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। इसके पॉइंट हम देखें आपका जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो गया आपका सिस ट्रांस जो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। जैसे एग्जांपल हो गया आपका सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H। दूसरा आपको दिया है सी डबल बॉन्ड, यहां पर दिया आपको CH3, यहां पर दिया है CH3, यहां पर दिया है H, और यहां पर दिया हमें H। तो गाइस अगर हम देखेंगे तो यहां पर दोनों ग्रुप सेम साइड है तो सेम ग्रुप को हम बोलते हैं सिस, और यहां पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस। तो जो सिस और ट्रांस होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं आपके डायस्टीरियोमर होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल और करते हैं आपका, जैसे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ये आपका दिया है ऐसे, यहां पर लगा हमारा ओ एच, और ये हमारा यहां पर लगा है एच, सेम इधर लग गया आपका एच, और इधर लग गया हमारा ओ एच, और यहां पर आपका ये ग्रुप लगा है। सो अगर हम देखेंगे इस दोनों में देखेंगे तो ये देखो यहां पर ओ एच अबव द प्लेन है और ये ग्रुप भी अबव द प्लेन है, तो ये क्या हो गया आपका सिस, यहां पर ओ एच बिलो द प्लेन है और यहां पर आपका ये ग्रुप अबव द प्लेन है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस, तो ये हो गया आपका ट्रांस। तो जो सिस ट्रांस आइसोमर होंगे ये क्या होंगे आपके डायस्टीरियोमर होंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसके अंदर आपका, तो जो डायस्टीरियोमर होते हैं उनका, जो हमारे पास डायस्टीरियोमर होते हैं, डायस्टीरियोमर में आपके कम से कम दो सिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट आपका हमारा चौथा पॉइंट है इसका आपका डायस्टीरियोमर मस्ट हैव टू और मोर देन टू एसिमेट्रिक सेंटर, टू एसिमेट्रिक सेंटर। तो डायस्टीरियोमर होने चाहिए उसके पास क्या होने चाहिए आपका, दो या दो से ज्यादा डायस्टीरियोमर एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए। लेकिन यहां पर जो आपका एक नोट डालते हैं, डायस्टीरियोमर आपका डायस्टीरियोमर्स कैन बी काइरल और एकाइरल, डायस्टीरियोमर आपके काइरल भी हो सकते हैं और आपके एकाइरल भी हो सकते हैं। तो उस एग्जांपल लेके देखते हैं आपका कैसे आपका काइरल होगा और कैसे आपका एकाइरल होगा। सो ये आपके काइरल भी हो सकते हैं और ये आपके एकाइरल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, एग्जांपल हमें दिया आपका, ये कुछ एग्जांपल दिए, देखो सपोज ये हमने क्या किया आपका ओ एच, और यहां पर आपका लगा है ये आपका ग्रुप लगा है ऐसे आपका, ये हमें दिया है यहां पर दिया हमने ओ एच, और यहां पर हमने आपका रखा है ये आपका ग्रुप रखा है। तो गाइस अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका क्या सिस और सिस, और ये क्या हो गया आपका ट्रांस, और जो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा आपका डायस्टीरियोमर्स। और देखो अब डायस्टीरियोमर अगर हम देखें ये काइरल है या एकाइरल है, तो देखो अगर हम देखें इसमें ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गई और ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री गई, और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका एकाइरल,
और अगर मॉलिक्यूल एक आयरन होगा तो ये कैसा होगा ऑप्टिकली इनका एग्जांपल दिया हमें यहां पर दिया हमें दिया आपका ओ इधर आपका एक ग्रुप लगा आपका सी ओ ओ एच और इधर साइड हमने आपका ग्रुप लगा के रखा है आपका सपोज पीएच। नेक्स्ट आपका दूसरा इसी में आपको दिया है ओ यहां पर हमें दिया आपका सी ओ ओ एच और यहां पर हमें रखा है आपका पी एच। अब देखना है ये आपको दिया है ए और ये क्या दिया आपको बी। अब देखना है दोनों में रिलेशन क्या है। अगर हम देखें देखो अगर हम देखें तो यहां से मिरर लगाते हैं और अगर मिरर लगाएंगे तो मिरर लगाने के बाद क्या होगा आपका सीओएच के सामने पीएच आएगा तो दोनों कैसे आपके डाइस्टीरियोमर है डाइस्टीरियोमर्स क्योंकि देखो सिस ट्रांस आपके हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट है ट्रांस और अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका सिस। अब देखो इसमें अगर हम इस मॉलिक्यूल में यहां से अगर हम प्लेन डालते हैं ये प्लेन डालते हैं तो ये प्लेन डलेगा नहीं क्यों क्योंकि देखो पीएच पीएच के सामने क्या आ जा रहा है आपका सीओएच है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में हम यहां से प्लेन डालते हैं तो यहां से प्लेन नहीं है क्योंकि पीएच के सामने क्या आ जा रहा है सीओएच आ जा रहा है तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका काइरल और अगर ये मॉलिक्यूल काइरल होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा आपका एक्टिव होगा। तो जो डाइस्टीरियोमर है वो आपके काइरल भी हो सकते हैं और आपके एक काइरल भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में है नेक्स्ट हम आपको देखते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में दो काइरल सेंटर होते हैं तो अगर दो काइरल सेंटर होते हैं तो इस क्या बोलते हैं डाइस्टीरियोमर तो उसने होना ही होना है। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो काइरल सेंटर होते हैं तो मॉलिक्यूल आपका डाइस्टीरियोमर होता ही होता है लेकिन डाइस्टीरियोमर के साथ साथ वो आपका एनेंटियोमर भी हो सकता है। कैसे सपोज आपका कितना चार पॉइंट के पांचों पॉइंट है सपोज ये ऐसे लिखते हैं कि टू मॉलिक्यूल में क्या आपका टू एसिमेट्रिक सेंटर। अगर मॉलिक्यूल में दो एसिमेट्रिक सेंटर है तो दो एसिमेट्रिक सेंटर है तो देखो आरएस के थ्रू हम क्या करते हैं सपोज आपके पास उस एसिमेट्रिक सेंटर में आरआर है और एक आरआर है दूसरा आपका क्या है एस एस है एक हो सकता है आपका एक आर एस हो सकता है आर एस दूसरा क्या हो सकता है आपका एस आर हो सकता है। तो देखो अब इनमें रिलेशन क्या आपके ये कंपाउंड दिए देखो जो इनेंशियोमर होते हैं उसमें हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है तो देखो ये आर आर थे तो ये एस एस हो गया तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये होंगे आपके इनेंशियोमर ये होंगे इनेंशियोमर। देखो इसमें देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है देखो R का S हो गया S का R हो गया तो ये भी क्या आपका इनेंशियोमर क्योंकि इनेंशियोमर में हमेशा क्या होता है आपका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो अगर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे हम इनमें क्या रिलेशन है देखो R का तो R रहा लेकिन एक R में क्या हो गया S हो गया तो अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा डायस्टीरियोमर की कंडीशन होती है ये हो गया आपका डायस्टीरियोमर्स। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है आपका एस का एस रहा लेकिन एस का आर हो गया या तो दोनों अपोजिट होने चाहिए तो ये क्या हो गया आपका डाइस्टीरियोमर हो गया। अब देखो डायगोनल देखते हैं एक बार देखो इसमें इसके साथ क्या रिलेशन है देखो R का S S का R हो गया तो ये भी क्या हो गया आपका डाइस्टीरियोमर हो गया और एक डायगोनल जो आपका ये बचा है इसमें देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है आपका देखो ये भी क्या आपका डाइस्टीरियोमर है तो इनेंशियोमर में बिल्कुल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और डाइस्टीरियोमर में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं होगा। एग्जांपल से देखते हैं इसको सपोज यहां पर हमें दिया है सी ओ ओ एच यहां पर भी हमें दिया है सी ओ ओ एच यहां पर आपका ग्रुप लगा है ओ एच और यहां पर भी आपका ग्रुप लगा है आपका ओ एच एक ये दे रखा है जस्ट इसका एक अपोजिट दे रखा है सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच यहां पर हमारा लगा है आपका ओ एच और यहां पर हमारा लगा आपका ओ एच ये नेक्स्ट हमें दूसरा दे रखा है आपका सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच यहां पर हमें यहां पर लिखा है आपका ओ एच ऐसे यहां पर हमें लिखा है आपका एच नेक्स्ट इसी का आपका है सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच यहां पर इधर आपने लिखा है ओ एच
और यहां पर हमने लिखा आपका ओ एच, तो इसको चेंज करते हैं, इसको ओ एच देखते हैं। तो ये चार हमें एग्जाम्पल देखे हैं, इन चारों एग्जाम्पल में हमें देखना है कि इन चारों में रिलेशन क्या है। ये एनेंशियोमर है आपके, डायस्टोमर है। तो देखो इसके लिए सबसे आसान तरीका आरएस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस वाले कार्बन में काइरल सेंटर है, ये भी आपका काइरल सेंटर है, अगर हम देखें तो यहां पर सब जगह एक एक यहां पर क्या होगा आपका नीचे साइड आपका बिलो द प्लेन एच होगा, कुछ लिखा है यहां पर आपका कुछ लिखा है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका एच होगा, ऐसे यहां पर कुछ लिखा है तो यहां पर आपका एच होगा, और यहां पर ये यहां पर एच होगा कहां पर आपका डार्क में, ऐसे यहां पर एच होगा कहां आपका डार्क में, और यहां पर भी आपका एच होगा डार्क में, ऐसे यहां पर आपका एच होगा आपका डार्क में, और डॉटेड पे यहां पर एच होगा आपका डॉटेड पे। अब देखते हैं इस काम, देखो सबसे पहले हम इस वाले कंपाउंड में जाते हैं, तो देखो ये क्या हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। अब देखो यहां पर क्या लगा, कार्बन लगा, कार्बन पे दो ऑप्शन है, यहां पर कार्बन पे एक ऑप्शन लगा है, एक कार्बन लगा है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ हो गई। ये देखो देखो कैसे मूव कर रहे हैं, फर्स्ट से हम सेकंड की ओर जा रहे हैं, और अगर फर्स्ट से हम सेकंड की ओर जा रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बिलो द प्लेन, और अगर फर्स्ट से सेकंड की ओर जाएंगे तो देखो कैसे घूम रहे हम, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा क्या आपका आर, तो इस वाले सेंटर का होगा आपका आर। अब देखो इस वाले सेंटर पे देखते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट आप इसको देंगे, सेकंड आप इसको देंगे, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है। तो देखो यहां पर भी फर्स्ट से सेकंड ऐसे मूव कर रहे हो, और ये कौन सा हो गया आपका, ये देखो यहां हम मूव कर रहे हैं कैसा आपका क्लॉकवाइज, और ये भी क्या हो गया आपका आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो इन दोनों में इसमें और इसमें रिलेशन चेक करते हैं, इसमें क्या आपका देखो अगर हम देखें इस वाले सेंटर को देखोगे आप, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, तो फर्स्ट से हम कहां गए, फर्स्ट से हम गए सेकंड, सेकंड के हम थर्ड। देखो अगर हम ये मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इस वाले सेंटर पे क्या हो रहा है, देखो कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आपका अबव द प्लेन, इसलिए कहां होना चाहिए आपका बिलो द प्लेन, तो ये हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देखो अब भाई यहां पर देखते हैं आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसको दोगे, फिर से इसमें फर्स्ट आपका ऑक्सीजन हो गया, सेकंड आपका ये कार्बन हो गया, थर्ड आपका ये ग्रुप हो गया, फोर्थ आपका ये ग्रुप हो गया, तो फर्स्ट सेकंड देखो यहां पर भी हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये भी हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां पर आपका अबव द प्लेन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, देखो इस वाले सेंटर और इस वाले सेंटर में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या ये आपका आर ही रहेगा, लेकिन ये और इसमें देखो कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपका एस है। अब देखो इसमें देखते हैं, इस वाले में और इस वाले में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये भी आपका एस हो जाएगा। देखो इस वाले और इस वाले में कोई भी इस वाले और इस वाले में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब देखते हैं इन सब में आपका रिलेशन क्या है। देखो सबसे पहले इस रिलेशन का देखो, देखो क्या था, आर था, आर का आर ही रहा और आर का एस हो गया, तो ये कंडीशन हमेशा कहां रखती है आपकी, ये हमेशा हो गया आपका डायस्टोमर। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, देखो इन दोनों में क्या होगा, आर का क्या हो गया एस हो गया, एस का क्या हो गया आर हो गया, तो अपोजिट हो गया, अगर अपोजिट होता है तो ये हो जाता है आपका इनेंशियोमर। देखो इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा आपका, देखो एस था, एस का एस रहा, एस का आर हो गया, तो ये यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायस्टोमर। अब देखो इसमें रिलेशन देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन आपका, देखो आर का एस हो गया, आर का एस हो गया अपोजिट हो गया, अगर अपोजिट हो गया तो ये क्या हो गया आपका इनेंशियोमर। सो गाइस ये कुछ आपके ट्रिक थे आरएस के बेसिस पे, हम आपका कैसे इनेंशियोमर और डायस्टोमर को आपका बता सकते हैं। सो गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ।